लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के कोपरखेरने में बीजेपी नगर सेविका संगीता मात्रे के पति पर जानलेवा हमले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना बीती रात की है, जब बीजेपी नेता गणेश नाई के कट्टर समर्थक संदीप मात्रे पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर जान लेने की कोशिश की। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण एक हमलावर पकड़ा गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इस हमले में घायल संदीप मात्रे ने इसे राजनीतिक रंजिश में किया गया हमला बताया और पुलिस से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। नवी मुंबई मनपा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के खूनी हमले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के कोपरखेरने में आज एक बीजेपी नगर सेविका संगीता मात्रे के पति संदीप मात्रे पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वारदात रविवार रात की है, जब संदीप मात्रे कोपरखेरने सेक्टर 6 में अपने जनसंपर्क कार्यालय में बैठे हुए थे, तभी बाइक पर आए तीन हमलावरों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को भी पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरा हमलावर फरार हो गया। बीजेपी नेता गणेश नाई के कट्टर समर्थक माने जाने वाले संदीप मात्रे पर जानलेवा हमले से कोपरखेरने में सनसनी फैल गई है। फिलहाल संदीप मात्रे को इलाज के लिए वासी के मनपा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संदीप मात्रे ने खुद कहा कि यह सब राजनीतिक रंजिश के तहत किया गया हमला लगता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके वार्ड में विकास कार्य हो रहे हैं, उससे कुछ लोग परेशान हैं और उसे रोकने के लिए ही संभवतः विरोधियों ने यह हमला कराया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार हमलावर से पूछताछ में जुट गई है। मैं और मेरा एक दोस्त योगेश वारे, हम लोग दोनों ऑफिस में मेरे केबिन में बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद में दो और मेरे कार्यकर्ता, एक संदीप वंडूस्कर और एक अधिक माने करके है, बच्चों के एडमिशन के लिए मेरे पास आए। हम लोग चारों जन ऑफिस में बैठ के बातें कर रहे थे। ये दरमियान ये दोनों जो मयूर लकड़े और ये बाबू, शायद रात को मुझे उनका नाम मालूम पड़ा, ऋषिकेश जायबाई है करके, ये दोनों कोयता और पिस्तल लेके ऑफिस में आए और सीधा वो बाबू वो मयूर को बोल रहा था कि तू मार मार। तो उसने, मैं साइन कर रहा था, पहले कोयते से धाक दिखा के, डर दिखा के, वो जो मेरे तीनों लोग थे उनको बाहर निकाला, केबिन बंद किया और मेरे ऊपर हमला किया। तो पीछे बाजू मेरे एक कंधे के थोड़े नीचे अपोजिट साइड से कोयता लगा, तो उसमें थोड़ा सा मैं बच गया। और टेबल मेरा बड़ा होने के कारण थोड़ा दूरी था, इसलिए ज़्यादा उनको कुछ पहुँच नहीं पाया। फिर मैं सैनिटाइज़र का बॉटल उनके ऊपर फेंक दिया, हाँ, और फिर पब्लिक ने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के रखा, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, उन्होंने बाद में मुझे पुलिस स्टेशन में लेके गए। इसमें मेरा कोई किसी के साथ मनमुटाव नहीं है या किसी के साथ लपड़ा नहीं है, कोई झगड़ा तंटा नहीं है। ये कोई पॉलिटिकली स्टंट है और इसमें आगे जो लोग हैं वो आगे जाके इंक्वायरी में मालूम पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।